जी ये देखिए लहसुन हमारा हो चुका है फ्राई, ब्राउन हो चुका है और हरी मिर्ची हो चुकी है हमारी फ्राई। अब मैं इसको फाइनली इसके ऊपर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, वो है सिंगापुरियन राइस। इसके काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स हैं तो मैंने इसलिए सिंगापुरियन राइस आज आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ। तो हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि सिंगापुरियन राइस कैसे बनते हैं और बहुत ईजी बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। अब जो ये एक है दो थोड़ा बड़ा है तो मैं इसके अंदर स्पैगेटी डाल रही हूँ। स्पैगेटी का मेरा एक पैकेट पूरा है और इसके साथ मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ही ऑयल और इसको मैं अब पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये जैसे ही डन होगी मैं इसे निकाल दूंगी। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा पानी बॉयल हो रहा है उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 kg राइस ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे और उसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और इसको भी मैं बिल्कुल गलने तक इसे मैं पकाऊंगी और मैं फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए स्पैगेटी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है और चावल भी हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। ये देखें और ये बिल्कुल गल चुके हैं, इसको हमने दम पे भी नहीं रखना, इतनी अच्छी तरह ये गल चुका है। ये देखिए अब मैं इसको निकाल दूंगी और स्पैगेटी को निकालने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल दे रही हूँ। अब स्टेप नंबर 2 इसमें जो जाएगा वो हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और ये 2 अदद मैंने ले लिए हरी प्याज और मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये हमें 1 मिनट हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद गाजर जो मैंने ऐसे लंबाई में कट किया हुआ है और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई लाए माने रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं गाजर को फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधी गोभी। और इसे मैं थोड़ा सा हिला लूंगी और 1 मिनट के लिए और पकाऊं। ये देखिए मुझे 1 मिनट हो चुका है शिमला मिर्च भी फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा प्याज और मैं थोड़ा सा इसमें बचा दूंगी और इसे मैं सिर्फ 1 मिनट और फ्राई करूंगी और उसके साथ मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सब्जियों के हिसाब से 1/2 टीस्पून नमक और मैं इसे मिक्स करके 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। मैं माने रही हूँ अब ये 1 मिनट हो चुका है। जो स्पैगेटी है वो मैं पूरी इसमें डाल के और उसको मिक्स कर लूँ। ये स्पैगेटी हमारी हो चुकी है डन। मैंने इसे 2 स्पून से जो है वो मिक्स किया है, ये 1 से नहीं हो सकता। अब बाकी बची हुई जो हरी प्याज है मैं ये इसके ऊपर डाल देती हूँ और जो चावल जो है वो मैंने डिश में निकाल दिए हैं। राइस मैंने एक ट्रे में लगा दिए हैं जिसमें मुझे सर्व करना है। आप ये चावल देखने कितने अच्छे खिले खिले एक दाना है और बिल्कुल गला हुआ है। अब जो मैंने स्पैगेटी बनाई है वो मैं इसको पूरी इसके ऊपर डाल देख लीजिए। पूरी स्पैगेटी मैंने चावलों के ऊपर फैला दी है। अब हम जाते हैं 3rd स्टेप की तरफ जो है चिकन का। अब मैं आपको बताती हूँ उसके लिए हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो देखिए मैंने स्पैगेटी में यूज़ की थी मैं अगेन वही यूज़ कर रही हूँ और अब मैं डालूंगी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन
जो कि बारीक चॉप हुआ हुआ है, और ये लहसुन जो है ये 5 अदद पीसेस थे इसके, जवे भी जिसको कहते हैं, और मैं इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। 1 मिनट हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज का मैं प्याज ले रही हूँ जो मैंने आमलेट कट किया हुआ है, और मैं इसे अब सिर्फ 1 मिनट के लिए और भूनूँ। 1 मिनट हो चुका है, मैं अब इसमें 1/2 kg बोनलेस चिकन डाल रही हूँ जो मैंने बहुत छोटे क्यूब में रखी हुई है, और जब तक इसका कलर चेंज हो जाए यानी ये पिंक से हो जाए वाइट, मैं इसे करूँगी फ्राई। चिकन हो चुकी है हमारी वाइट, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 2 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon ही इसमें जाएगी हॉट सॉस। और मैं इसे अब थोड़ा मिक्स करूंगी और 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। 1 मिनट हो चुका है इसे फ्राई करते हुए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon जीरा पाउडर, 4 tablespoon केचप, ये नॉर्मल केचप है, 4 tablespoon चिली गार्लिक सॉस, और मैं 1/2 प्याली पानी डाल रही हूँ, और अब मैं फ्लेम कर दूंगी थोड़ा हल्का, अब 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन हमारी पूरी तरह से हो जाए डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ली है 2 tablespoon मेयोनीज। अच्छा, ये सॉस जो है इसकी स्पेशल होती है, और मेरे घर में थोड़ी बच जाती है तो मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रख रही हूँ। अगर आप लोगों के घर में इसकी नीड ज़्यादा हो तो आप जो है फिर वो इसको देख लीजिएगा। जी, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे घर में थोड़ी कम खाई जाती है, तो मतलब अगर आप इसमें, मैंने ये 2 tablespoon मेयोनीज़ लिया, तो आप 4 tablespoon कर लें, और जो बाकी चीज़ों की भी रेशियो है वो डबल कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ जाती है वो मैं डाल रही हूँ 2 tablespoon मेयोनीज़, 1 tablespoon चिली गार्लिक सॉस, 1 tablespoon ही इसमें नॉर्मल केचप, अब 1 tablespoon इसमें जाएगा सिरका। अब इसके बाद इसमें जाएगी बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी, यानी आप समझ लें 1 pinch के करीब ब्लैक पेपर, और इतना ही नमक, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ों के अंदर नमक और ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो हम इसमें इतनी हमें नीड नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम डाल देंगे, 1 pinch ही हम इसमें डाल देंगे नमक। अब मैं इसको पूरा मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, सॉस हमारी बहुत मज़ेदार सी हो चुकी है रेडी। अब हम जाएंगे अपनी चिकन की तरफ दोबारा, और मैं फिर चिकन देखिए हमारी हो चुकी है बिल्कुल डन। मैंने इतनी सी इसमें ग्रेवी रखी बहुत मामूली सी, ये देखिए बिल्कुल डन हो चुकी है, और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसे हमने डालना है। ये हम आ चुके हैं अपनी चावल और स्पैगेटी की तरफ, और जो ये अब हमने चिकन बनाई है ये अब हम इसमें पूरी डाल देंगे। चिकन मैं पूरी डाल चुकी हूँ, अब मैं इसके बाद जो मैंने आपको सॉस बताई थी वो इसमें मैं पूरे में डालूंगी। सॉस मैं पूरे में आपके सामने डाल चुकी हूँ। अब इसका आ रहा है स्टेप नंबर 4, और वो स्टेप नंबर 4 जो है वो है इसका एक भिगार। और अब हम भिगार के लिए जो हमें चाहिए वो है 1 tablespoon ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 tablespoon ऑयल, और ये है 5 अदद लहसुन जिसे मैंने चिप्स की तरह काट लिया है,
सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लहसुन और उसे 1 मिनट करूंगी फ्राई। 1 मिनट हो चुका है, देखें लहसुन का हल्का हल्का सा कलर होने लग गया चेंज। अब मैंने इसमें 5 अदद हरी मिर्चें, उन्हें भी कट कर लिया है, और अब मैं उसे उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक लहसुन हमारा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। जी ये देखें लहसुन हमारा हो चुका है ब्राउन, हरी मिर्चें हमारी हो चुकी हैं फ्राई। जी ये देखें लहसुन हमारा हो चुका है फ्राई, ब्राउन हो चुका है और हरी मिर्ची हो चुकी है हमारी फ्राई। अब मैं इसको फाइनली इसके ऊपर डाल दूंगी। मज़ेदार सी आपकी सिंगापुरियन राइस हो चुकी है तैयार। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी और इतनी इजी सी, आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी है, और मुझे पिक्स भी भेजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितनी मज़ेदार लगी है। आज आप लोगों की फरमाइश पे मैंने की है चावलों की रेसिपी रेडी, सिंगापुरियन राइस। बहुत महंगे मार्केट में मिलते हैं और आपके लिए इतनी इजी और इतने सारे मैंने थोड़े से पैसों में बना के दिखाए। इसको बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी है। इसके साथ ही अगली रेसिपी तक हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को महसूल हो।